पाकिस्तान ऑलपर्स की प्यारी ईद के साथ मैं हूं राबिया अनम। 30 रोजे आपके साथ एक प्यारा और गहरा ताल्लुक रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको कल का हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। आज एक बार फिर पूरे पाकिस्तान को ढेर सारी ईद मुबारक एक्सप्रेस की पूरी फैमिली की तरफ से। भाई ईद का दूसरा दिन एक्चुअली वो दिन होता है जब थोड़े होश काबू में आते हैं, जब मोबाइल उठाने का टाइम मिलता है, व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ते हैं और एक लंबी कतार होती है उन लोगों की जिन्होंने पूरा साल आपको नहीं पूछा होता, लेकिन फिर आप उनको फाइनली ईद पे याद आ जाते हैं। वैसे समहाउ ये अच्छी बात भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे आपकी पूरी साल बात नहीं हुई, उनसे ईद पर तो कहीं ना कहीं बात हो ही जाती है। ईद हमें तोहफ़तन मिलती है एक उस प्यारे महीने के बाद जिसमें हम बहुत सारी इबादतें करते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो ऐसा ना हो कि हमने जो पूरे महीने अच्छे काम किए हैं हम ईद पे उन लोगों को भूल जाएं जिन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। घर से बाहर निकलें और देखें कोई ऐसा तो नहीं जो ईद की वैसे खुशियां ना मना रहा हो जैसे आप मनाते हैं, ईद में वो खाने ना खा रहा हो जैसे मैं और आप खा सकते हैं, और अगर आपने वाकई किसी का मुंह मीठा कराना है तो फिर कैडबरी सेलिब्रेशन चॉकलेट बॉक्स से बेहतर क्या है। आज मेरे सेट पर भी मौजूद है और आपके जो फेवरेट स्टार्स आएंगे उनसे भी कैडबरी का ये सेलिब्रेशन चॉकलेट बॉक्स हम शेयर ज़रूर करेंगे। तो आइए ईद प्यारी प्यारी ईद एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर दूसरे दिन का ये ईद शो हम इसका करते हैं बाकायदा आगाज और आपको मिलवाते हैं आपके फेवरेट स्टार से। और भाई ये कोई हल्का शो नहीं है, उन स्टार्स को बुलाया है जो बहुत कम आपको शोज में दिखते हैं, उन चेहरों को यहाँ मदऊ किया गया है जहाँ जो लोग नॉर्मली शोज में जाकर दिल की बातें नहीं करते। तो आइए उनसे आपको मिलवाते हैं और पूछते हैं कि उनकी बचपन की ईद में और आज की ईद में फ़र्क क्या आया है, क्या वो मिस करते हैं शीरखुरमे के बड़े बड़े बोल्स, लोगों के घर ईद मिलने जाना, और अब जब कमाने लगे हैं तो ईद ही मिलती है या सिर्फ बांटनी ही पड़ती है। सारी बातें हमारे प्यारे मेहमानों से। तो आइए सबसे पहले अपने इस शो में बुलाते हैं सिद्रा न्याजी को। कैसी हैं आप सिद्रा और कैसी गुजर रही है ईद, ईद का दूसरा दिन? बहुत अच्छा, मैं ठीक हूं, बिल्कुल। और बहुत प्यारा जोड़ा पहना है आपने, थैंक यू, बहुत अच्छी लग रही है। चलें जी और गेस्ट से आपको मिलवाते हैं। मेरे जो दूसरे गेस्ट हैं उनके क्या ही कहने हैं, सिर्फ इस मुल्क में नहीं पड़ोसी मुल्क में भी उनके बड़े चर्चे हैं। उनकी अदाकारी, उनकी गुड लुक्स और उनकी सिंगिंग भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। बहुत सारे उनके फैंस जो बेताब हैं उनकी बातें सुनने को, क्योंकि वो भी एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि हर रोज़ आपको टीवी शोज़ पर नज़र नहीं आते। तो आज हमने उन्हें बुलाया है ताकि उनसे हो बहुत सारी गपशप और ज़रा एक गाना शाना भी सुन लेंगे हम, ज़रा हमारी ईद भी मज़ेदार हो जाएगी। आप सबके लिए आपके पसंदीदा अदील चौधरी। हेलो, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? आइए व्हेरेवर यू वांट टू चेक, बिल्कुल यार। जनाब, सो हैप्पी टू हैव बोथ ऑफ यू हियर। लाइकवाइज, थैंक यू। कैसी गुजरी पहला दिन, कैसा गुजरा, कैसा होता है अदील घर का माहौल? और क्योंकि फैमिली से दूर हैं तो क्या हाँ, वो ईद वाला मज़ा आता भी है कि नहीं? यूजुअली तो अपनी फैमिली के साथ ईद गुजरती है, लेकिन इस दफ़ा सोचा कि आपके साथ गुजारें। भाई हम भी फैमिली है ना, जो ये फ्रटर्निटी है सिद्रा, ये तो एक फैमिली बन जाती है। और मुझे लगता है कि अपनी असल फैमिली ज़्यादा तो इनके साथ टाइम गुजरता है, ऐसा ही है ना? तो बड़ा ज़रूरी होता है कि जी इनके साथ भी। मैंने तो अपने 30 रोज़े इस फैमिली के साथ गुजारे तो मुझे तो अब अपनी फैमिली समझ नहीं आ रही। तो सिद्रा, आप जब शूट्स पे बिजी होती हैं और फिर वही लोग आपकी फैमिली बन जाते हैं, तो क्या ईद पे होता है डिनर्स वगैरह? बिल्कुल होता है, लोगों के साथ मिलना जुलना होता है। और ये बात सही है कि जब हम 50-60-70 दिन एक उसमें गुजारते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा, इतना टाइम शायद अपनी फैमिली के साथ आप नहीं गुजार पाते कभी भी। तो वो अटैचमेंट भी हो जाती है, लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और ईद पे इस तरह की गेट टुगेदर्स और वो चीज़ें होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं सिद्रा, फ़र्क क्या है? हम हमेशा बात करते हैं भाई रमज़ान में भी, जैसे मैं सबसे पूछती थी कि वो जो बचपन वाले रमज़ान का एक एसेंस था, जो खूबसूरती थी, दस्तरखान सजना, सबका मिलकर बैठना, और बड़ा ये होता था जी ट्रे सज के जा रही है फलां के घर, फिर वहाँ से भी खाना आ रहा है, वो ज़रा कम हो गया है, लोग नेबर से कम मिलते हैं, तो चीज़ें बदल रही हैं। हमारे मोहल्लों में होता है, वो अंदरून लाहौर में, कराची
के कुछ इलाकों में, बट मोस्टली अब नहीं हो रहा हमारे इर्द गिर्द. तो ईद भी थोड़ी सी फीकी हो गई है. पूरा दिन नेटफ्लिक्स पे गुजरता है या जो अब्बा है वो न्यूज देख रहे हैं क्या हो रहा है. तो वो आपका बचपन वाली ईद और इस ईद में कोई फर्क आया? अच्छा, मुझे तो बहुत ज्यादा फर्क लगता है. उसकी वजह ये है कि मैं लाहौर से हूँ, तो हमारे यहाँ तो बहुत अलग तरीके से ईद मनाई जाती थी. हम ईद की नमाज पढ़ने के लिए सब साथ जाते थे और ये होता था कि जो नहीं जाएगा उसको ईद ही नहीं मिलेगी. तो सब जाते थे, औरतें भी, औरतें भी, सब बच्चे भी, सब लोग. तो जब से हम कराची आए हैं यहाँ पर फर्क है बहुत ज्यादा. मुझे तो लगता है लाहौर कराची का डिफरेंस भी है. बट आई थिंक जो आपने कहा कि अब वैसे भी वक्त बदल गया है, लोग बहुत ज्यादा उस तरह से एक्सप्रेस करना, बहुत ज्यादा वो जो वालेहाना अंदाज हुआ करता था, अब आई थिंक वो उस तरह से नहीं रहा. जिसकी वजह से वो जो एक फेस्टिविटी होती है, वो जो एक माहौल होता है जिसको आप बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो उस तरह से नहीं रहा. जो कि मेरा ख्याल है आपकी जो जनरेशन और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बड़ी बदकिस्मती है. अब ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज कर दिया और कहीं फ्रेंड्स के साथ चले गए, जो घर वाला ईद का माहौल होता है वो नहीं आती. ऐसा ही फर्क लगता है अब? हाँ, जहाँ तक आपने कहा कि लोग पहले मिलते थे, तो आई थिंक इसका बहुत बड़ा रीजन अब महंगाई भी है. उस वजह से भी लोग अब इतना ज्यादा नहीं दावतों पे खर्चे कर रहे हैं. टफ टाइम्स. लेकिन मैं इवन लाहौर में भी था, सो आई यूज्ड टू गो टू माय विलेज, तो मैं तो वहाँ पे गुजारता था. जबरदस्त. एंड बल्कि लाहौर डिफेंस स्पेशली तो मेरा ख्याल आधा खाली होता है ईद के ऊपर. सब लोग जाते हैं, लोग चले जाते हैं आबाई घरों में, लोग ईद मनाने अपने शहरों में जा रहे हैं. चांद बख्श याद आ जाते हैं. जनाब, हमारे दो और मेहमान हैं, उनको भी बुलाते हैं ताकि मिलकर गपशप हो सके. और मेरी जो तीसरी मेहमान है वो तो आ जाएंगी, तो शायद गपशप बहुत जो है ना एनर्जी वाली हो जाएगी. आप इनसे मेरी ट्रांसमिशन में प्यारा रमज़ान में मिले भी और इनकी क्या खूबसूरत बातें हैं. मैं इनको वैसे तो एज ड्रामा एक्ट्रेस जानती थी. इनकी कभी कभी जो है सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव होती हैं, वो भी गपशप मैंने देखी. लेकिन इन्होंने एक रिसेंटली न्यूज़ चैनल पर एक स्पोर्ट्स शो में को होस्टिंग की ऑलमोस्ट, और मैं तो इम्प्रेस हो गई. इनकी जुगतों की टाइमिंग, इनकी बातें, आई जस्ट लव हर. और जब मुझसे पूछा गया कि ईद के शो में किसको बुलाएं, तो मैंने कहा भाई ये जरूर होनी चाहिए. तो आप सबकी बहुत पसंदीदा मरियम नफीस हमारे साथ है. अच्छा जी, वही जो मेरे चौथे मेहमान हैं मरियम, मैं उनको साथ ही बुला लेती हूँ ताकि गपशप जरा साथ लग जाए. ये चौथे जो मेरे मेहमान हैं ये आ गए और छा गए. स्क्रीन पर बहुत मुश्किल होता है, जो बहुत ड्रामास जो हमारे बन रहे हैं वो ख़वातीन से मुतालिक होते हैं और देखने वाली भी जो ऑडियंस है वो ख़वातीन की है. तो एक मर्द एक्टर की जगह बना लेना इतना जल्दी इंडस्ट्री में, और वो भी एक आउटसाइडर की, तो आजकल जो बड़ी बात हो रही है दोबारा से पाकिस्तान की इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म की और सारी चीज़ें वो दोबारा निकल आई हैं. तो एक आउटसाइडर आए और आते ही छा जाएँ और इतनी बड़ी माशाल्लाह फ़ैन फॉलोइंग हो, और फिर हर कोई इनके बारे में विद इन द इंडस्ट्री और के फैंस भी कहते हैं, क्यों उनको ये इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है कि बहुत डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं और अपने हर कैरेक्टर में जान डाल देते हैं. तो आप सबके बहुत ही पसंदीदा उसामा खान यहाँ पर आ रहे हैं. ईद मुबारक उसामा. ईद मुबारक. हाँ, आप हमने दो दो लोग बुलाए ताकि वो झप्पियों वाला मामला इक्वल हो जाए, मसला ना. को आपने बुला लिया, मेरा ख्याल है फिर मरियम ही बोल ले आज. मरियम को इसलिए बुलाया कि बैलेंस हो जाए. तुम नहीं सड़ो. अदील का वैसे मुझे लग रहा है इंट्रो कुछ आई फेल बैड. क्यों? क्यों? थोड़ा ये आग लगाने वाली औरत कुछ नहीं हो. ये पीछे बैठ के गरीब में नहीं बोलना मुझे भाई. आप सबका तो मैंने सिर्फ ये कहा कि वो इस मुल्क में बहुत शोहरत वाले, अदील के तो चर्चे पड़ोसी मुल्क में है भाई. तो मैंने सिर्फ वही कह के मैंने कहा आप तो हैवी हो गया ना. काफी. मरियम मुझे ये बताइए कि आपकी ईद में कुछ तब्दीली आई है मियां की जिंदगी में आने के बाद? बोरिंग हो गई है या और एक्साइटिंग हो गई है? और एक्साइटिंग हो गई है. I think Sidra would agree, right? शादी के बाद ये बात उनसे भी पूछनी चाहिए ना. ये दोनों उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. बट yeah, I feel like आपकी फैमिली गैदरिंग ज्यादा हो जाती है, यू नो, यू मिंगल अ लॉट, आप ज्यादा रिश्तेदारों में. और मैं दूसरे तीसरे दिन फ्लाई कर जाती हूँ इस्लामाबाद, यहाँ वाला कोटा पूरा करके. सो ईदी तो बहुत सारी मिलती है. मियां यहीं रह जाता है? नहीं, वो जाते हैं कभी. अच्छा, साथ वो भी जाते हैं, वरना वो जाएं तो ईद तो इस बार जा रहे हैं. आई एम नॉट श्योर.
I would rather not. क्या मतलब है यार? भाई अगर आप जाएंगी तो मियाँ की ईद तो उस दिन शुरू होगी ना, जिस दिन मैं जाऊंगी। ये देखो ऐसा अमान की साइड पे हो जाए, क्योंकि आप अमान को जानते भी हैं। मरियम नॉर्मली नहीं मिलती, लेकिन मरियम अपने हस्बैंड के साथ डॉल्मेन में मिलेगी, होए होए मिलेगी और वहीं पे मिलेगी। क्या बात है। अच्छा उसामा मुझे बताइए, बचपन की ईद और क्योंकि आप अकेले रहते हैं घर वालों से दूर और अभी शादीशुदी नहीं हुई भी, तो वो जरा महसूस करते हैं कि कोई शीर खुरमा बनाने वाली नहीं मिली अभी तक? नहीं, वैसे मेरे जो एग्जाम्स होते थे कभी कभार वो ईद के ऊपर आ जाते थे। ओए होए, ये तो बड़ा जुल्म है। एसीसी के पेपर सारे ईद के बीच में आते थे, तो मैं तब बहुत होता था फैमिली के, तो मुझे आदत हुई हुई है, लेकिन घर वाले मिस करते हैं तो मैं बस जा रहा हूँ। बस जा रहे हैं आप, बस शोज से फ्री होते ही घर पहुँच जाएंगे, वरना मेरे पास आ जाना। नहीं। अच्छा मुझे आप दोनों से ये पूछना है कि ईदी अभी भी मिलती है या सिर्फ ईदी देनी पड़ती है? ईदी तो मुझे बचपन में भी नहीं मिली वैसे। ये क्या जुल्म है भाई, तू मेरे से ले लेना। क्यों नहीं मिलती? मैं तो छीन के लेने वाला इंसान। हाँ, पर्स से निकाल। एक अजीब सी बात है, वो कहते हैं लड़कों को नहीं मिलती, लड़कियों को ईदी मिलती है। ये क्या बात हुई यार, बच्चों को तो सबको मिलती है। एक्चुअली मैं अभी भी एक इंसान को ये बोल रही थी कि यार तुम लड़के हो, उसने कहा तुम मुझसे बड़ी हो, मैं कहा कोई बात नहीं, ईदी दे दो। हां तो यही चलता है आराम से। यहां वुमन एंपावरमेंट सब भूल जाती है लड़कियां, ईदी के लिए मुझे सब इक्वालिटी तो यही है कि अगर ये हमें, तुम प्लीज इक्वालिटी की बात नहीं करो। आज देखते हैं बाय द एंड, बाय द एंड आपको ईदी मिलती। मैंने अपने पेरेंट्स से जबरदस्ती ही ली है। कितनी ईदी मिलती थी अदील अब्बा से? 500 बहुत होते हैं भाई, क्या हो गया 500? अभी 1000 रुपए दे देते हैं पेरेंट्स, इस महंगाई के दौर में 1000 रुपए बहुत ईदी होती है। 500 अभी भी 5 यार, ये बड़ा ड्रामेटिक चाइल्डहुड है। तो वैसे देनी चाहिए, बहुत ही अफसोस की बात है। हाँ देनी तो चाहिए। भाई अच्छा नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ सिद्धा, मुझे ये बताएं कि क्योंकि मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता कि ईद शो पे महंगाई की बात ना हो? महंगाई ने क्या चीजों को तब्दील किया? सिद्रा ने क्या कम कपड़े बनाए इस दफा? डेफिनेटली बहुत ज्यादा, हर एक को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा इससे, मतलब और महंगाई का कोई कम डिफरेंस नहीं है ना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जैसे अभी कल कोई कह रहा था कि अगर कोई चीज पहले 200 की थी तो अब वो 300-400 की नहीं, वो इकट्ठे 500 पे पहुंच गई है, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। वो हर बंदे को इससे फर्क पड़ा। सिद्रा वो है जो कहेंगी कि नहीं जी मुझे कोई लेकर जाए चूड़ियां और मेहंदी लगवाने, या मैं खुद चली जाऊंगी? नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, खुद चली जाऊंगी, मुझे नहीं जरूरत ड्राइवर के साथ और मेहंदी लगवा। अच्छा वैसे मैं बहुत शौकीन नहीं हूँ ज्वेलरी और इन चीजों की, कपड़े वपड़े और ये बहुत ज्यादा, नॉट ऑब्सेस्ड विद इट, नहीं नहीं बिल्कुल नॉट एट ऑल, लेकिन जो थोड़ा बहुत चाहिए होता है वो मैं खुद कर लेती। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं लाहौर से हूँ, तो जब से हम कराची में ईद करना शुरू हुए हैं तो मैं बहुत ज्यादा इन चीजों पे वो ही नहीं करती। ईद के जोड़े आ जाते हैं वो, बस कहीं पर जाना तो पहन लिया, वो चूड़ियां ज्वेलरी और वो सारा इत्तमाम वो इतना नहीं रहा, नहीं है मतलब इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना। नहीं अदील आपका कुछ है कि जी वो कभी? मैंने तो महंगाई के बाद अब ईद शोज डबल कर दी, डबल कर दी, पैसे भी थोड़े ज्यादा लेना शुरू कर दिए लड़के, ऐसा नहीं है? एक्सप्रेस की मैनेजमेंट से पूछते भाई ज्यादा दिए पैसे के नहीं, नहीं लेकिन महंगाई ने भाई मर्द हजरात को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है ना, बहुत ज्यादा। क्या तो किस तरह जिंदगी डिप्रेशन का मरीज बना, हाय अल्लाह ना करे यार। लेकिन सबसे ज्यादा क्या चीज के ऊपर दुख है कि यार ये महंगी हो गई, सरिया महंगा हो गया। फिर इनको और मरियम को कितना घर बना रही हूं इसलिए, मरियम को कितना फर्क पड़ा भाई महंगाई से? कोई जोड़े शोड़े कम लिए हैं जफा? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हमें कहां लेने पड़ते हैं, हमारे पास मुफ्त के मिल जाते हैं, मुफ्त के मिल जाते हैं। यार ये मर्द एक्टर्स को भी मुफ्त के कपड़े मिल जाते हैं इजीली, ये सिर्फ ये खवातीन के ही वो है शश के, मिल जाते हैं। मैं सोच के क्यों बोल रहे हो, मैं उनको भी देख रहा हूं ना, मिल जाते हैं। अच्छा दो दो कैटेगरी के मुफ्त होते हैं ना, वो एक ये होता है कि आपने पहन के वापस कर दिया तस्वीर लगा के, ईद के जोड़े ही आपको वापस, ईद के जोड़े आपको जबरदस्ती भेजते हैं खुदा के लिए पहन लेना, पैसे भी दे देते हैं कभी कभी, हां पैसे भी देते हैं यार पहन लेना। अच्छा ये ईद डे 1 के अलग पैसे होते हैं, 2 के अलग। मैं एक बात पहले जोड़े खाना था, दूसरी के अलग। फैंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि इतने कपड़े जो एक्ट्रेस को मिलते हैं ये उनका करते क्या है, तो सामा जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं कपड़े, जब अलमारी में जगह ना हो, तो व्हाट डू यू डू विद इट? मैं वापस गुजराने भेज देता हूं। वाह यार ये बहुत अच्छी बात है, इट इज एक्चुअली वेरी गुड। हां तो मैं वहां जाके मैं अम्मी डिसाइड करती है ना क्या करना। हमारा एक और भी ये फैक्टर है ना कि हमारे कपड़े यूज में आ जाते हैं दोबारा दोबारा, इन अ कपल ऑफ इयर्स आप किसी और ड्रामे में यूज कर लेते हैं, अदील तो हर ड्रामे में ही यूज कर लेता है वो, क्योंकि वो उसकी लोग एक जैसी होती है, वही वडेरा वही खानदानी जो। अच्छा वैसे मरियम आप मुझे ये बात बताएं कि आपको क्यों लगता है कि अदील को क्यों वडेरे वाले, भाई ये बड़े चॉकलेटी हीरो टाइप लुक्स हैं तो इनको वडेरों वाले रोल क्यों मिलते हैं?
क्योंकि इनका ताल्लुक खारिया से, इसलिए बताओ अदील के बारे में। मैंने पता नहीं लोग दूसरे बंदे से इसलिए पूछा ना ताकि वो शायद बता सके। अदील पता नहीं लोग जानते हैं नहीं जानते, मैं अदील के साथ एक प्ले किया था, बहुत अच्छा, इट वाज अ लवली टाइम, मुनाफिक, और अदील को मैंने बहुत तंग भी किया उस प्ले में। अदील ना बेसिकली एक बहुत ही टिपिकल क्यूट इंसान है, लेकिन एक बहुत टिपिकल आदमी है जिसको अपनी बीवी किचन में चाहिए। अभी मैंने अदील के साथ एक प्ले किया है समझौता, वो अभी भी ऑन एयर है ARY का, तो उसमें वो थोड़ा सा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा दबता है अपनी बीवी से, तो अब इसको जो मजबूरन वो डायलॉग्स बोलने पड़े थे कि नो प्लीज तुम ऐसे कर लो, वो सारा ये ना बोल कर अगर नहीं हो रहा था राबिया, वो डायलॉग बोल कर जब ये कमरे से बाहर जाने लगता था और वो मेरा मुझ पर एंड हो रहा होता था, तो ये कह कर जाता था कमरा साफ कर देना, बाथरूम साफ कर देना, मेरे लिए चाय बना देना। इमेजिन, बर्दाश्त नहीं होता कि मैं किसी को नहीं ऐसा नहीं, मैं तो अच्छा ऐसा है। अच्छा उनको जवाब देने देते, फिर आई हैव अ टास्क फॉर यू जी, आपका क्या, आपने अपने हक में कुछ कहना चाहते हैं? मेरे से बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं। ओह माय गॉड, उस कैमरे में देख कर अदील के लिए रिश्ता ऐड बनाना है कि किस तरह की लड़की अदील को चाहिए। Let's do it and then we'll go on a break. वैसे बता दें। And Osama can help you. हमारे पास एक बहुत सुलझा वो वाला कैमरा है, मूविंग कैमरा है, रेड लाइट। हमारे पास एक बहुत सुलझा हुआ हैंडसम कमाऊपूत लड़का है, बहुत अच्छे ड्रामे करता है, he has a huge fan following everywhere. और बस अगर आप एक लड़की हैं जो काम नहीं करना चाहती और किचन में आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, कपड़े आपको फुल बाजू वाले पहनने अच्छे लगते हैं, कौन से वाले? फुल बाजू वाले। हाँ, वो भी। और आप बिल्कुल जी हुजूरी टाइप लड़की हैं, खामोश टाइप, he's your man. I'm personally taking applications for Adeel. Only gold roti banana is the requirement. It's very important. Achha, roti nahi, gold roti nahi. I don't eat roti. Desi food nahi pasand hai. Desi food nahi. Achha. To bhai wo aapko sirf bread garam karni padegi, roti nahi banani. Haan. आप उसामा के लिए भी करो, वो भी तो एक उसामा को मैं जानती हूँ, उसामा बहुत अच्छा लड़का है, कंप्लीट ऑपोजिट देन यू, तो तुम छोड़ दो। और उसामा ने, उसामा को मैंने शो से पहले पूछा कि सिंगल रेडी टू मिंगल, उसने कहा सिंगल नॉट रेडी टू मिंगल। अब इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे क्या वजह है? ओ खुदा के लिए कुछ नई चीज निकाल लेना इस बार। एक्सक्यूज मी, ओ सो उसामा इज नॉट सिंगल, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। मेरे अंदर का ना जर्नलिस्ट निकल रहा है, क्या उसामा सिंगल है? मरियम ने कहा ऐसा नहीं है, सच्चाई जानिए ईद के दूसरे दिन हमारे शो में आफ्टर अ ब्रेक। मीठी ईद आप देख रहे हैं प्यारा सा ये शो प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ, और वाकई इन्होंने इस शो को खूबसूरत बना दिया है। उसामा है, मरियम है, अदील और सिद्रा, और इनसे गपशप हो रही है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक टीजर दिया था कि क्या उसामा सिंगल है या नहीं, लेकिन उससे पहले क्योंकि भाई ईद है और ये कुछ नहीं खा रहे, तो ज़रा मरियम, उसामा, अदील, सिद्रा जी आप आइए और ज़रा शीर खुरमा खाइए, कैडबरी की चॉकलेट्स खाइए। आज मेरे इस शो में सारे मेहमानों की तवाज़ो हो रही है ज़बरदस्त शीर खुरमे से। घरों में शीर खुरमे का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि शीर खुरमा गाढ़ा बना है या नहीं, लेकिन हमारा शीर खुरमा गाढ़ा बना है क्योंकि ऑलपर्स के दूध और क्रीम से बना है। तो आप भी घर में शीर खुरमा बनाएं तो ऑलपर्स से ही ज़रूर बनाएं। और फिर घर में जब मेहमान आते हैं भाई ईद में, तो बहुत सारे लवाजमात होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, निम्को ख़ास तौर पर लोगों को चाहिए होती है, ज़रा पकौड़ों से और समोसों से ब्रेक लगती है। लेकिन आप यकीन माने, जब मुंह मीठा करना हो तो मेरा फेवरेट है कैडबरी का सेलिब्रेशंस बॉक्स। मैं वो मेहमानों को सर्व भी करती हूं जैसे आज यहां कर रहे हैं, और फिर जाते हुए बच्चों को हाथ में भी दे देते हैं। ईदी के लिफाफे पकड़ाएं और कैडबरी का सेलिब्रेशंस बॉक्स पकड़ाएं, तो बच्चे वाकई ईद पे खुश होकर जाएंगे जैसे हमारे ये मेहमान खुश हैं। थैंक यू। अच्छा भाई, जब तक हम शीर खुरमा खा रहे हैं, उसामा क्योंकि
विराजमान है सीट पर उसामा, मुझे बताइए तीन दफा हो गया भाई क्या वाकई सिंगल है? जी जी वाकई, अब किस तरह से बताते नहीं नहीं भाई, वो मरियम ने हमें जरा शक में डाल दिया था। मरियम मरियम की जब शादी हुई है, मरियम सबको रोजाना मैसेज करती है रात को कि यार शादी होना बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली मैं भी यही करती हूँ, ये क्या मसला है मरियम, शादीशुदा लोगों को क्यों इतना इंटरेस्ट होता है कि सबकी जिंदगी तबाह हो गई तेरे साथ? नहीं यार, शादी इज अ ब्यूटीफुल थिंग। हो गए मेरे साथ, हो गई तेरे साथ भी हो। अच्छा भाई, जबरदस्त ऑल पर्पस से बना शीरखुरमा हम खा रहे हैं और फिर कैडबरी की जो चॉकलेट है, बहुत शुक्रिया मरियम, तो फुल सुगर बहू बनी हुई है यार। मरियम तुम घर पे भी काम करती हो इतना? क्या बात है, मेरे शौहर से पूछ लो। अच्छा भाई, जल्दी जल्दी कुछ सवालों का जवाब और शीरखुरमा। अच्छा मुझे एक वैसे सवाल का जवाब दे, देखिए मेरे जैसा बंदा हो, मैं कहूँ की यार मेरी अगर अभी शादी नहीं हुई लेकिन हो या मेरे घर में जो भी है, मैं कहता हूँ यार ईद पे तो मेहंदी लगानी चाहिए, आप लोगों के हाथ में मेहंदी क्यों नहीं है? हाँ, उसकी वजह ये कि मैं पे जाना है ना कल, नहीं मेरी बहुत बड़ी रीजन है कंटिन्यूटी, शूट पे भी जाना है, मैं उम्रे पे जा रही हूँ। जो पूरी पूरी मेहंदी लड़कियों के लिए पैगाम है ये, सामान्य बताया वो लड़की जिसे मेहंदी पसंद हो, वैसे हर शोहर को पसंद होनी चाहिए, मेरे पसंद होनी चाहिए, मेरे लिए आज तक कभी किसी ने लगाई हो या ना लगाई हो लेकिन पसंद होती है ना, अच्छी लगती है, भरे हुए हाथ अच्छे लगते हैं ना। बाज लोगों को उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती, पसंद है लड़कों को, लड़कियों को अगर अच्छी लगी हो वो बड़ी बुरी लगती है, जो स्टैंप हिप्पा वाले नहीं अच्छी लगती, मतलब डिजाइन बेले बनी हो, नाजुक से हाथ, मेहंदी तो मतलब वैसे भरी होनी चाहिए। जरा मुझे वो चेकलिस्ट तो बताएं कि किस तरह की बेगम चाहिए अदील को, मैंने भी बताया तो है, प्यारी हो, एक्सीलेंट और मैं बता बस ये दो चीजें, बहुत हसीन और बहुत अच्छी और बहुत अच्छा खाना बनाती हूं बस, तो अदील उसको सालाना एक दफा ट्रिप पे लेके जाएगा, बस बस खुद ये घूमता फिरता रहता है लेकिन ट्रिप पे एक दफा लेके जाएगा, सिर्फ एक दफा, जारी बात है बच्चे स्कूल में है तो कैसे ट्रैवल हो सकता है? मैं रूल करके जाऊंगी, ये फेमिनिस्ट नहीं है, अब कैसे ट्रैवल हो सकता है? नहीं नहीं फेमिनिस्ट नहीं है, इसका फेमिनिज्म से कोई लेना देना नहीं, उसने संभालना है आपने नहीं, तो आप ट्रैवल करेंगे, ये दुनिया घूमेंगे, मैं तो काम के सिलसिले में मुझे जाना पड़ेगा, काम का सिलसिला अगर उनका काम है और उनको जाना पड़ेगा, क्या काम है उसका? तो अगर बीवी का काम और उसको जाना हो, बीवी अगर घर पे हो तो मतलब कोई तो बंदा घर पे रहता ना, ये घर पे रह ले, बाहर के लोगों को बताते हैं अबाउट योर, मतलब यू नो स्प्रेड करते हैं कि मेरी शादी हुई है। एक मिनट मैं एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बता दूं, ये दो तीन मर्द हजरात हैं मेरे इर्द गिर्द जिनके पास बैरूनी मुल्क का पासपोर्ट है, अदील उनमें से एक है, तो वो अपने इस पासपोर्ट का बहुत फायदा उठाते हैं, साल में 10-10 ट्रिप्स लगाते हैं और बेगम घर पे बच्चे संभालेंगे। हाँ, जब ये जब आप मेरे शोहर से कुछ सीखे, वो जब 10 ट्रिप लगाते हैं तो मुझे साथ लेके जाते हैं, ठीक है, तो आपको भी साथ ले जाना चाहिए। अदील से गाना सुनेंगे और फिर शो के एंड में आपको बताएंगे ताकि आप कहीं ना जाएं। नहीं वो बता रहे थे वो गाने नहीं गाते, पिछले 5-6 साल से छोड़ दिया मैं, तो आज आपको जाने नहीं दूंगी, हम धरना देके बैठ जाएंगे और हमारे पास तो पीटीआई की सपोर्टर भी मौजूद है, ऑल द टाइम रेडी फॉर धरना, ऐसे ही है ना मरियम? नहीं अदील गाना, नो प्लीज प्लीज गाना, अदील आप गाना नहीं सुनाएंगे तो चले जी एक गेम खेलने जा रहे हैं आप, ये क्या था, ये क्या आवाज निकाली, निकालो दोबारा, खान नहीं, खान साहब के ऊपर ये आवाज ही निकाल सकते भाई, बताएं इनको। हम एक गेम खेलने जा रहे हैं, मशहूर जमाना गेम है, पहली बार हम खेलने जा रहे हैं, इससे पहले आज तक किसी ने नहीं खेला, इसका नाम है हेड्स अप। हम मरियम नफीस से इसका आगाज करेंगे, सो वेरी इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक तस्वीर जो मरियम नहीं देखेंगी वो किसी सेलिब्रिटी की भी हो सकती है, कोई भी फेमस शख्सियत या फिर किसी खाने की चीज़ की भी हो सकती है। आप लोगों ने इनको सिर्फ हिंट्स देने और इन्होंने सिर्फ 5 हिंट्स में उस शख्सियत का नाम बताना है, या वो दो खाली भाई वो दो आपको करेंगे ना, तो ये टीम और टीम है ना, तो देखते हैं कौन जीतता है। सो 5 ईच हम करेंगे, पहली तस्वीर आप उठाएं भाई, वो इतना देखिएगा, ऐसे करें ऐसे भाई, एक शख्सियत है, सेलिब्रिटी है, हो क्या लड़की है, आप कुछ औरत है, मतलब एक्टर है, एक्टर हैं, हाँ, और सवाल तो पूछ सकते हैं ना, हाँ, उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में हैं, उनकी बहन है, उनकी यस क्या बात है भाई, समझ गई थी मैं उसकी हंसी की, आप क्यों हंस रहे हैं टीवी पे ये
अकेले में, क्योंकि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। हां ऑफ कोर्स। अच्छा आप भी नहीं देख सकते? अच्छा ओए होए क्या बात है। ओ मुश्किल कर लो थोड़ा मुश्किल। मरियम ठीक है, बहुत नोन पर्सनालिटी है वर्ल्ड वाइड। इमरान खान। ओए होए ओए होए इमरान खान क्विकेस्ट। क्या बात है यार, नोन पर्सनालिटी वर्ल्ड वाइड इमरान खान। मरियम यू विल बी द हैप्पीएस्ट, यू आर द लाइक हैप्पीएस्ट पर्सन। चलें जी उसामा। ऐसे यस मतलब यू डोंट हैव माय गॉड बट यू कैन। चलें बताएं पाकिस्तान द ओनली स्टार वी हैव राइट नाउ जियोलॉजी इसी शो में बैठ के चार स्टार्स के पाकिस्तानी एक्टर हैं और उन जैसा कोई भी नहीं है। हुमायूं सईद। फवाद खान। यार लेकिन आपने हुमायूं सईद कह दिया, इसका मतलब कि फवाद खान जैसा कोई है। या आई थिंक वी हैव सम ग्रेट लेजेंडरी एक्टर्स। चैलेंज जी कर लो, कवर कर लो उसामा। ओ आदिल के पास नहीं हुआ ना अभी तक। नेक्स्ट आदिल। इनका मशहूर एक कॉल है कि हम किसी को घसीटेंगे। घसीटेंगे वो तो सारे पॉलिटिशियंस कहते हैं। वो बूट पहन के शहबाज शरीफ। और यू कुड हैव सेड आटे का थैला। आजकल नहीं माइक तोड़ने वाला भी है इनका, लेकिन बहुत है बहुत है। ये सब तोड़ देते हैं, रूल्स भी तोड़ देते हैं। ओ भाई खाने की डिश। अच्छा आ गई पंजाबियों के पास खाने की डिश आई है। ओहो फेवरेट सेट पे जरूर होता है बिरयानी। अच्छा सेट पे रोज होता है तो बिरयानी है ना। रोज होता है सेट पे। रोज क्या होता है? दाल और दाल के साथ चावल। ओहो कौन से ड्रामे कर रही हो जिसमें सिर्फ दाल होती है रोज? नहीं होता ही है उसके साथ कोई चिकन होगा कोई सब्जी। सो आई थिंक पाकिस्तान में दो जगह कॉन्स्टेंट दाल चावल मिलते हैं, जेल में और शूट में। कंप्लेन नहीं कर सकते। इससे पूछे आप कौन सा आप ये सेट का खाना नहीं खाता? मैं देखते तो होंगे ना। मैं I'm fast, I usually fast. Oh my God. इनकी नहीं खाना आता है अलग। Right. यार मैं अपनी favourite हूँ। आदिल चौधरी बड़ा मैं अपनी favourite हूँ। चलो जी। I do not want to go even there. Oh nice. मतलब क्या था? It is so easy. Really? Very easy. Legend है. No 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 you do it. You the way she says. आप रोई थी उस वक्त फिर? वो अपना सुहेल बड़ाई। नहीं हाँ समीना पिज़्ज़ा। फीमेल सुहेल बड़ाई। समीना पिज़्ज़ा। नहीं मरियम इसका सबसे अच्छा था बचपन में झूला झूला। वो जैसे दरख्तों पे चढ़ी थी। घर में पूल है तो आप स्विमिंग तो करते होंगे। ये सुहेल बड़ाई। अच्छा जी मरियम। ओ यम ये शख्सियत है एक। ये एक शख्सियत है। शख्सियत है। कराची में बहुत फेमस है। बहुत स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड गोलगप्पे। नहीं हार्टबर्न होता है खाके। यार अब ये आपका मसला है। बिहारी ये आपका मसला है। आपका हार्टबर्न हो सकता है हमारा ना होता। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। अंडा और दाल भी बन कबाब। इस्लामाबाद वालों से बंद कबाब का पूछना इज लाइक बहुत गलत बात। आई एम नॉट अ फैन। नॉट अ फैन। बर्गर बर्गर का पूछ सकते हैं ना इस्लामाबाद वालों से। यार ये क्यों दोबारा आ गया? ओ अच्छा भाई खाने की चीज है। खाने की चीज है बहुत मीठा होता है और खुल जाता है मुंह में रख के। और फेवरेट मीठा है मिठाई में से नेशनल मीठा। मिठाई में एक चीज होती है। क्या बात है। मिठाई में एक चीज होती है जो सबकी फेवरेट होती है। गुलाब जामुन। कोई है जिसने नहीं पूछा? यार मैं जरा हाँ थोड़े मुश्किल भी कर थोड़े मुश्किल वाले लेकर आते हैं। खाने पीने की आ रही है सब। ओ मरियम नहीं मैं क्यों यार मरियम क्यों भाई ज्यादा जब ज्यादा पानी आता क्या ज्यादा बारिश होती बिलावल। आई डिडंट इवन हैव टू क्या बात थोड़ा
बहुत आसान है। स्पॉइलर है पाकिस्तान का इस वक्त। He's very tall. Best bowler. Very good. चाइना प्रीति। Yes, क्या बात है? ये मुश्किल है। मैं मुश्किल नहीं था। नहीं उसका चेहरा बना लेते तो फिर मुश्किल ना लगता। मैं एक्चुअली मुश्किल ढूंढ के दे रही हूँ। अच्छा वो सारे हमारी तरफ करके नजर तो आ रहा है। इनका ताल्लुक है उनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। नहीं मिनिस्टर कौन है? फवाद चौधरी। ये हाल है पीटीआई के सपोर्टर्स का। फवाद चौधरी इनको ये नहीं पता कि इनकी पार्टी के। मैंने बहुत डायरेक्ट हिंट दिया है। ये पता है एक्चुअली ये पीछे से नजर आ रहे हैं और ये शेखू लग रहे हैं। यार फवाद चौधरी साहब अगर आप ये शो देख रहे हैं तो मरियम नफीस को लगता है कि आप और शेख रशीद बिल्कुल एक जैसे हैं। फवाद चौधरी बहुत क्यूट हैं। हाँ और शेख रशीद क्यूट नहीं है सिद्धार्थ? हॉट हैं। वो हॉट है। शेख रशीद सबके फेवरेट। लेकिन इसको जाने नहीं दे सकते। ब्रेकिंग न्यूज ऑफ द डे। सिद्रा न्याजी समझती है कि फवाद चौधरी जहां एक तरफ क्यूट हैं वहीं शेख रशीद हॉट हैं। I really want to know the details. We want to know the details. Okay. बताएं। I'll tell you later. ईद के तीसरे दिन। अच्छा भाई मुझे कुछ सवालों का जवाब दें। मुझे बताएं कोई ऐसा झूठ जो कहा हो और जिसकी जिसको वो रेक्टिफाई करना हो कि भाई नहीं मैं जरा मेरा जमीर मलामत कर रहा है। कोई भी कोई किसी दोस्त को कोई झूठ बात की हो, सामा की कोई झूठी तारीफ की हो, आज सच बताने का मौका है। मुझे बाद में रियलाइज होता है कि यार मतलब चलो खैर है। मतलब मरियम उस तरह की लड़की है कि पब्लिक में खड़ी होगी ना सामने कोई बंदा आ रहा होगा इसकी उससे कोई होगी या वहीं खड़े होकर बोल देगी और बाद में इसको एहसास होगा ओहो 25 बंदे थे यार बोल रहे। अच्छा आपने कोई ऐसी चीज जो जो आज जमीर मलामत करो? नहीं 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 जमीन ही मरा हुआ है। बिल्कुल जमीन। अदील कोई ऐसी बात जो आज की हो अभी एक दो दफा गया भी हूँ। आज दो मौमे हल नहीं हो सके। एक उसामा सिंगल है या नहीं और क्या ये फेमिनिस्ट है या नहीं इसका जवाब आपको मिलेगा पता नहीं जिंदगी के किस हिस्से में। बस देखते रहेंगे ईद शोज और मॉर्निंग शोज। अच्छा भाई एक सवाल 10 लाख रुपए इस महंगाई के दौर में अगर कोई अचानक आपको ईदी दे दे उसामा वी विल स्टार्ट विद यू तो 10 लाख रुपए से उसामा क्या करेगा? 10 लाख नहीं करूंगा मैं। क्या मैं यकीन ही नहीं करूंगा यार मिल गई ना 10 लाख मिल गए आप बताएं क्या करूंगा। कोई बड़ा प्रोड्यूसर कॉल करे किसी चैनल का कोई मालिक और कहे यार उसामा मैं आज तुम्हें ईदी 10 लाख देना चाहता हूँ। ईदी अपने पैसे नहीं मिलते ईदी दे रहा हूँ। मैं बताऊँ ये क्या करेगा? ये किसी प्लॉट का बयाना कर दे और जो सरिया हमारी तरह नहीं और जो सरिया महंगा हो गया है इसका सरिया भी तो महंगा हो गया। टोकन दे किसी चीज का टोकन दे दूंगा या कोई चीज खरीदूंगा इन्वेस्टमेंट वाला। मरियम क्या करेगी? मरियम को भी यकीन नहीं आ रहा। नहीं हाँ मतलब ऐसा ऑफ कोर्स कभी भी नहीं होगा but I'll probably give it to somebody. अच्छा पूरे 10 लाख really? पूरे 10 लाख कुछ रख के बाकी हेलो इतनी तो मच्छी नहीं 10 लाख जो है ना एक मैं बताती हूं 10 लाख इतने कोई ज्यादा पैसे नहीं है आजकल के यार तुम्हारे लिए नहीं है ज्यादा है ना उस बच्चे को 500 मिलती थी यार। मैं उस किस्म का इंसान हूं कि आपके पास एक घर आपका अपना है आपके पास बेसिक 2 गाड़ियां हैं यू आर गुड। आप साल में 2 दफा भाई अमीर गेस्ट आ गए आज हमें तो 500 ईदी मिलती थी हम उसी में बेचारे खुश रहते थे यार तुम इधर दे देना। हाँ मैं बयाना ज्यादा दे दूँ तुम कल तुम ले लेना चलो 20 लाख तुम जाओ डबल इन्वेस्टमेंट करो। आप क्या करेंगे दी? मैं तो घर की टाइलें ले लूंगा। ओह माय गॉड सरिया से निकला तो टाइलों पर तो घर बन रहा है आजकल। हाँ तो इसलिए ज्यादा शोर बड़े साल से बन रहे हैं इनका घर बस आज जरा कस्बा घर बन रहा है भाई। ये गाने नहीं गाते ना आप लोग कहते हैं आज थोड़े ज्यादा पैसे दे के
बाथरूम की टाइल्स का भी दे देते हैं बयाना और गाना भी सुन लेते हैं। राबिया आपको पता है ना ये एक बहुत अमीर इंसान है। हाँ हाँ ये तो है। ठीक है ये लेजिट चौधरी है। यार एक काम करते हैं ये जो टाइलें कह रहे अब मैं बताऊं दस लाख उसके भी जो है ना वो सामा को दे देते हैं। 10 लाख टाइल्स आएंगे जहाँ से अमीर इंसान है जो गद्दी पुश्ती अमीर होते हैं। ये एक्टिंग सिर्फ शौक के लिए कर रहे हैं जरूरत नहीं है इनको। असल में ये गद्दी पुश्ती पुश्ती आप यकीन करें मुझे देख के शायद लोगों को लगता है लेकिन ऐसी बात नहीं। और इनको कैरेक्टर भी सारे इस तरह से मिलते हैं ये है। हाँ, आपके चेहरे पर जो नूर है वो अमीरों वाला है। नहीं ये नूर तो मेरी नेकियों की वजह से और अच्छे कामों की वजह से। ओहो 30 रोज़ गुज़रे हैं। तुम अननोन लोगों के सामने नहीं आए हो शो पे ठीक है। हम तीनों तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चले जी अदील आपसे एक गाने की फरमाइश ताकि हमें शो का एक जबरदस्त एंड कर सके। और मुझे पता है आप बहुत फरमाइश कोई बड़ी पर्ची लगाए तो आप गाना गाते हैं। एक्चुअली पता नहीं 4-5 साल हो गए मैं नहीं अब गाना छोड़ ही दिया। हम आपके साथ आएंगे पड़ता है अब। हाँ। ये हर दफा गाते भी यही कहते हैं 4-5 साल हो गए हैं। हम अदील के साथ उनको सपोर्ट के लिए हम आ गए हैं। आ जाएं ये गाना सिद्रा ने लिखा था बहुत ही अच्छा लिखती है। आइए आइए आगे आ जाएं साहब प्लीज। Move your body now, shake your body now. बल का के लहरा के हित पाड़ी ना तुझे सीने से मैं अपने लगा लूं तुझे बाहों में छुपा लूं कम क्लोज टू माय बॉडी ना मूव योर बॉडी ना शेक योर बॉडी ना बल का के लहरा के हित पाड़ी ना तुझे सीने से मैं अपने लगा लूं तुझे बाहों में छुपा लूं कम क्लोज टू माय बॉडी ना कि धड़कन बढ़ गई सांसें चढ़ गई हंसी एक लड़की से मेरी आज सर जो लड़ गई साढ़े नाल कर ले पार्टी कुड़ी तो लगती है नाठी फ्रीकी फ्रीकी रात हो गई Come on, sing along with me साढ़े नाल कर ले पार्टी कुड़ी तो लगती है नाठी फ्रीकी फ्रीकी रात हो गई Alright, thank you. लाइव तो नहीं गा रहे आप लोगों के बहुत सारे फैंस इस वक्त देख रहे हैं आप लोग मरियम तो वैसे आती रहती है शो में मेरे रमजान में भी आई थी इन्होंने पूरे रमजान में मरियम को देखा उससे पहले मैचेस में देखते रहे मेरे घर वाले देखते रहे भाई मुझसे मेरी अम्मा ने पूछा कि ताबिश और ये बहन भाई है मैं लड़ते रहते हूँ हर जगह साथ देते तो जी आपके फैंस के लिए ईद का मौका है आप उनके लिए कुछ पैगाम देना चाहे मरियम विल स्टार्ट विद यू और फिर ऐसे जाएंगे I just want to say कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो मैं सुन रही हूँ कि अपने घर वालों से या अपने दोस्त यारों से बात नहीं कर रहे हैं किसी छोटी सी बात पे हम इतने सेंसिटिव हुए हैं कि बातें दोस्तियाँ ख़त्म कर दी रिश्तेदारियाँ ख़त्म कर दी सो प्लीज़ दिस ईद प्लीज़ मेंड योर रिलेशनशिप गो टॉक टू देम अपोलोजाइज बिकॉज वंस यू डू इट आप अच्छा फील करते हैं और आपके रिलेशनशिप्स आपके पास वापस क्या बात है सामा सबसे पहले तो ईद मुबारक दूसरा ये कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें जितनी महंगाई है या जो हालात चल रहे हैं उनसे पूछते रहें तीसरा ये कि अपने घर वालों के साथ ईद सेलिब्रेट करें माँ बाप के साथ या जो भी है आपके क्लोज रिलेटिव है उनके साथ ईद सेलिब्रेट करें क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा पहले खुद तो जाओ खुद अम्मा अब्बा से दूर बैठा हुआ तो लेक्चर दे अपने आसपास बताइए क्या अपने आसपास जी सिद्रा मैं बस यही कहूँगी कि मुझे लगता है आजकल कुछ हालात भी ऐसे हैं महंगाई या बाकी जो पॉलिटिकल सारा हमारे सिचुएशन है जो इकोनॉमी की सूरत हाल है तो हर बंदा बहुत परेशान है yes. तो मेरा ख्याल है कि हर एक को कोशिश करनी चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कि खुश रहें एफर्ट करें खुश रहने के लिए उसको महसूस करें और एफर्ट करके खुश रहें चाहे हालात जैसे भी हों मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल जिसको देखें वो परेशान है उदास है और जो कि है भी मतलब ज़ाहिर सूरत हाल इस तरह की है बट कोशिश करें कि खुश रहें बहुत ज़रूरी है अदील मैं भी यही कहना चाहूँगा क्योंकि आई थिंक ये तो आजकल हमारे मुल्क का जो इशू चल रहा है तो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखिए उनकी सपोर्ट करें जितनी उनकी हेल्प हो सकती है वो करें
और अगर आप लोगों को ज्यादा परेशानी हो तो मेरा और सिद्रा का ड्रामा चल रहा है, समझौता आप वो देखें। चलो जी, वो देखिए और परेशान हो जाओ, अपनी फेमिनिस्ट बन जाओ इससे। जबरदस्त नहीं, लेकिन सबका जो मैसेज था यही मुस्कुराहटों भरी ईद है जिसको हम आपके सामने लेकर आए। बहुत शुक्रिया आपका मरियम, उसामा, अदील एंड सिद्रा के आप लोग यहाँ पर आए। बिल्कुल आपके साथ ये वक्त पता ही नहीं चला कि कितना जल्दी गुजर गया। ईद मुबारक आप सबको और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। इनका ड्रामा जाके देखें प्लीज, क्योंकि फौरन देखें, ईद को भूल जाएं, इनका ड्रामा देखें। और प्लीज खुद से लिखकर लोगों को ईद मुबारक के मैसेज करें, फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि कभी कभी नीचे गलत नाम चला जाता है, बहुत बिस्ती होती है। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।